गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है फिजिक्स का, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिंग करना, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन एंड स्टील, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। वो सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन एंड स्टील, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। इस प्रॉपर्टी को हम ऑफ दिस मटेरियल्स को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स से, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। ये सब क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ये एक सब्सटेंस है, अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट्स, इसलिए इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। कुछ स्पेशल एलॉयज होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट्स से, उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो एलॉयज, वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट्स से, उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि कॉपर, रबर एंड वुड। ये सब क्या है हमारे पास? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डील करते हैं, स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें क्या होगा कि जब हम करंट पास करेंगे तब मैग्नेट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे स्मॉल पीसेस को, सब्सटेंसेस को। तो क्या हो रहा है? करंट पास किया है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स एक्सपीरियंस्ड इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। अब हमारे पास हॉर्स दो मैग्नेट्स हैं, जैसे कि एक ये मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया। अब ये दोनों मैग्नेट क्या कर रहे हैं? एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये कुछ जो सब्सटेंसेस होंगे, इनको जो अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों मैग्नेट जब कोई फोर्स लगाएंगे, उस वजह से जब ये किसी पीसी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब कोई फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन दोनों मैग्नेट्स के स्पेस के बीच में। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या? कि जो मैग्नेट के बीच में जो ये स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे फील की जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है, और वी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी, जो चार्ज होगा मूव करेगा वेलोसिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसको लिखेंगे क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हम ये वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या लगता है? वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो वी बी साइन थीटा एन कैप, ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच आउट अवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। ये सारे जो तीनों हैं ये हमारे पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या हमें डायरेक्शन शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की। और सेंट्रल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है,
और जो थंब है वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स लग रही है स्पेस अराउंड द मैग्नेट, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो लग रही है फोर्स, ये होता है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन। और हमने अभी फॉर्मूला किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, FM इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, क्यू चार्ज होता है 1 कूलम, वेलोसिटी हो गई।